अब रुका ही नहीं जा रहा। तब यहाँ से सारा हो गया हमारा कर्नाटका शुरू। यार मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मुझे लगा टेबल चेयर होंगे। अभी ये आ गया है हमारा मंडी, और ये देखो ये प्रो की तरह बैठा है। भैया इनको उठा दोगे क्या? इनसे उठा नहीं जा रहा है। आएगा ना। और इस पूरे के अंदर जो ये आप देख रहे हो, तो गाइज आज 7th of April और सुबह के बजे 3:30, और अब हम जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ। पुणे से अब निकल चुके हैं, पुणे में भी काफी एंजॉयमेंट किया, आप लोगों ने भी ब्लॉग देखा होगा। तो अब हैदराबाद पहुंच के थोड़ी हैदराबाद की यादें इकट्ठे करते हैं और देखते हैं हैदराबाद की सबसे अनसेफ प्लेसेस कौन सी होंगी और हॉन्टेड प्लेस। और गाइज जो ये जर्नी रहेगी वो रहेगी करीब 10 घंटे 34 मिनट की, सोए सिर्फ 2 घंटे है, तो देखो कैसा ट्रेवल होगा। बट आदत है तो मैं चला लूंगा, बाकी यस देखो अगर चला पाया तो उसको भी देंगे गाड़ी, अदरवाइज नहीं तो डर के हम ही चलाएंगे। बेसिकली ये वो लोग हैं जो मुझे बोलते सर रात भर ड्राइव करेंगे, बात करेंगे, और ये लोग मरे पड़े हैं तो मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ, तो आज के बाद मैं इनके चुंगल में नहीं फंसूंगा। तो गाइस एक काफी प्यारा स्पॉट मिला है, और अभी तक तो हमारे दोनों एडिटर सो ही रहे हैं। बाकी यार जगह बड़ी प्यारी, और ये कोई तो मेरे हिसाब से फोर्ट है यहाँ पे ये। और अभी हम हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं तो मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी, तो मैं सोचा गाड़ी रोके क्यों ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। अभी अभी हमें इस किले के बारे में बताया जो 700-800 साल पुराना है, तो हैदराबाद हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि मन तो यहाँ पे था बट लेट हो रहे हैं। बट थैंक यू, जाओ आराम से, जाओ जरा रास्ता जरा डेंजर है, आज से ज्यादा होती है इस पर, तो अपने हिसाब से जरा खतरनाक रास्ता है, खतरनाक है, रोड थोड़ा इधर किधर खराब भी है, तो आज से जरा ज्यादा होती है। चलिए ओके सुल्तान भाई, थैंक यू सो मच यार, ओके। तो गाइस वो जो उधर आप एरिया देख रहे हो वो बेसिकली था महाराष्ट्र, जो टोल देख रहे हो, और टोल का जो बोर्ड है उसके इस तरफ जो देख रहे हो ये हो गया शुरू कर्नाटका। तब यहाँ से सारा हो गया हमारा कर्नाटका शुरू। तो गाइस इस ट्रैवलिंग के व्लॉग में पता नहीं लोग इतना लंबा लंबा कैसे ट्रैवल कर लेते हैं, अब तो बस ये है कि वो होम सिकनेस ही होने की, बस अब मुझे वो होता है ना से आली भट्ट बोलते मुझे अपने घर जाना है। अभी सेम वही फीलिंग है यार, मुझे अब जाना है घर, अब रुका ही नहीं जा रहा। और परसों से है नवरात्रे, तो भाई उसमें तो हम फुल फास्ट रखेंगे, कुछ खाना वाना खाने नहीं वाले। Later that same evening. मैं इनको आईडी से पहले से फॉलो कर रखा था, आज हैदराबाद में मिला भैया। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। कहाँ से हो? मैं न्यू दिल्ली से हूँ। और यहाँ कैसे फिर हैदराबाद? यार घूमने के लिए आया था यहाँ। ओके चलो बढ़िया यार, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो गाइस आज रात के 1:30 बज चुके हैं, और अभी मैं जैसे होके उठा था क्योंकि पूरी रात 10 घंटे ड्राइव कर रहा था, और जैसे कि हमारे दो एडिटर्स हैं जिन्होंने कहा था हम पूरी ड्राइविंग में जगेंगे सर, आपको सोने नहीं देंगे, और खुद सो गए और पूरा रात ड्राइव किया। तो एक चीज और बदली, आज यश भैया का बर्थडे है। यश हैप्पी बर्थडे। तो सर कल के लिए गुप्ता जी, कल आपका पैसे निकलने का दिन है, तो कल गुप्ता जी से लेंगे अच्छी वाली पार्टी, और गुप्ता जी की सैलरी वैलरी उड़वा देंगे यहीं से, क्या ही क्रेडिट होने देना, यहीं खत्म करवा देंगे। ठीक है तो भाई चलो लेट्स सेलिब्रेट देन। तो गाइस 7 तारीख को सुबह नहीं दोपहर में 2 बजे हम पहुंचे थे, और ड्राइव करना चालू किया था रात के 3:30-3 बजे के आसपास। अब जा रहे हैं खाने के लिए, कुछ मंडी मंडी कर रहे हैं, पता नहीं मंडी है हंडी है क्या है, तो वहाँ खाने के लिए जा रहे हैं। और ये अपने होटल से भी निकल ली है ट्रिगो के नाम से, तो ये गाड़ी तो पार्क कर दी, और अब हम आ गए हैं रहमत बेकरी के यहाँ पे, जहाँ पे हम इन्होंने कुछ मंडी बोला था वो खाएंगे। और मोबाइल को इस हाथ में ले लेता हूँ, ऐसा ना हो कि भाई मोबाइल तो यहाँ पे कोई हाथ में से छीन के ले जाए। तो कमेंट करके बताओ अगर आप में से कोई हैदराबाद है तो यहाँ स्नैचिंग वाला सीन होता है क्या? स्लीपर्स उतारने का है ये, तो एम्बियंस ही बदल गया एकदम से यार, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मुझे लगा टेबल चेयर होंगे, ये तो कुछ और ही है। और बड़ी जबरदस्त चीज है, मुझे तो गया टेबल चेयर वाला रेस्टोरेंट होगा यार, बड़ा आलीशान मुगल वाले फील आ गई। ओ यार मीठे में क्या है इसके पास? ये पता नहीं क्या है, तब मेरे को पता नहीं यार मंडी वैसे होता क्या है, नाम भी मैंने पहली बार सुना है। तो ये मैं एक बार वहाँ गया था ना गुड़गांव में, गुड़गांव नहीं यार मूसल में, और हुआ है चौकी धानी, वहाँ पे भी ऐसे थाली में कुछ देते हैं, पर फील तो पूरी मुगल वाली आ रही है यार। और ये भाई इधर पूरा मैट शेड बिछाया हुआ इन्होंने, और स्टूल है छोटे छोटे। तो ये सबसे पहले आ गया हमारे पास सूप, ट्राई करते हैं। दाल नमक वाली पानी में घोट के, वो भी है
मजा नहीं आया। ये आ गया है हमारा मंडी, इसमें ये कुछ तो चिकन है ग्रेवी वाला। One hour later. बस पूरे एक घंटे तक खाने के बाद मैं सिर्फ 60% ही खा पाया, बाकी 40% मैं खा नहीं पाया। और यश भैया का भी सेम हाल है। पर ये भाई मैं इसको यही कह रहा था कि भाई तो अगर गलती से मेरी औलाद होता तो मैं तुझे डिसोन कर देता। और हो सकता है वीडियो में आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा सा ही तो यार, नहीं भाई ये बहुत है, ये बहुत ज्यादा है। तो ये यश कितना खा लिया साहब, और ये देखो ये प्रो की तरह बैठा है, कुछ खाया ही नहीं हो जैसे। लाला जी सेठ सेठ का पेट। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मेरी डाइट इनसे इनके दोनों के कंपैरेटिवली आधी है, लेकिन पता नहीं क्या है फिर भी अपना वेट नहीं कम होता है। आप बताओ अब सब भी ऐसा होता है? यार देख के सब में लग तो रहा है अचीवमेंट है। प्लेटें देख रहे हो इनकी भाई, इसमें 2 किलो बिरयानी थी। थोड़ी सी जो बिरयानी खा ली है भैया, इनको उठा दोगे क्या? इनसे उठा नहीं जा रहा है। तो ये भाई क्या डबल का मीठा? डबल का मीठा। तो ये है डबल का मीठा और ब्रेड में कुछ बना रहता है, राइट? तेलंगाना स्पेशल है। तो फिर तो एक ले ही लेते हैं यार, खा के देखेंगे। और ये क्या ले लिया हमने? ये रबड़ी मलाई जो भी एक्सपेक्टेड। चल रहे भाई उत्तरी, उत्तरी। अब रात ही होगी भाई, देखो बंदे बर्गर खा रहे हैं खड़े होके। अबे बिरयानी सिरयानी पेलो बे। और फिर यार यहाँ की लैंग्वेज बड़ी मस्त लगी मेरे को। लैंग्वेज क्या होती है? मिया आएगा ना, मैं बोलूँगा, ट्राई करूँगा। आफ्टर हैविंग 1.5 किलो बिरयानी ये बंदा लगी है। तो गाइस यार ये मेरे को स्टैचू नहीं पता किस चीज़ का, आप जरा मेरे को कमेंट करके बताना हैदराबाद में। और वो पीछे जो मुझे बिल्डिंग दिख रही है वो भी मुझे नहीं पता। तो अगर कुछ हुआ ऐसा घूमने लायक तो फिर डेफिनेटली हम यहाँ जाने वाले हैं। तो भाई ये भारद्वाज भैया आ गए और यश का फाइनली एक सरप्राइज केक आ गया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। अब यश तुझे वो देना है शॉकिंग सरप्राइज केक देख के। 1 2 3 यश केक केक आ गया। ओह माय गॉड, दो बंदे वहां काट रहे। 50 रुपए काट इसका, ओवर एक्टिंग का। 50 रुपए काटने का तेरे को क्या हो गया? 50 रुपए ही तो थे, गुम कर। यार मैं इनको इतना खिलाता हूँ पिलाता हूँ, खर्चा भी नहीं करवाता इनका, फिर इनके पैसे जाते कहाँ हैं? ड्राइविंग मेरे साथ, स्टे मेरे साथ, फूड मेरे साथ, घर पे 17 बजे हैं। तो गाइस यश के लिए पूरे हैदराबाद में जो सबसे महंगा केक है वो मैंने मंगाया, और ये है 45th Avenue बाय कराची बेकरी से। और ये जो केक है ये अलग टाइप का केक है, इसके अंदर जो स्टफिंग हुआ अभी नहीं रिवील करूंगा, तो क्यों और क्या वो बाद में बताऊंगा। ले मोमबत्ती लगा, ये क्या पेंसिल से भेज दी? अरे अच्छा ये वो है मैजिक कैंडल। मैजिक कैंडल नहीं है रे, मैजिक नहीं है, फुलझड़ी वाला है। अब वो नहीं पता क्या है। ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि ये जो केक है ये बना है टोटली फेरो रॉचर से, और इस पूरे के अंदर जो ये आप देख रहे हो जो भी आइटम है, जो फेरो रॉचर की फिलिंग होती है, ये उसी से पूरा बनाया हुआ है। मतलब पूरे फेरो रॉचर की पूरी चॉकलेट्स को तोड़ना, क्रश करना और फिर उसके बाद इसको लगा देना, इसलिए फिर ये महंगा है। और अब इसको जलाते हैं। यार ये कैंडल थोड़ी अजीब सी है, ऐसा नहीं बम की तरह फट जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मकसद नहीं बोलना, मकसद नहीं बोलना। यार ये गोल्डन सी लग रही है, ये ऐसा केक है मैं काटने का भाई, इसमें मोम भी नहीं कर रहा है, एक ड्रॉप है वो भी वहीं लटक गई है। कुछ होगा क्या इसमें? ये है आई कैंडल प्रो गाइस, आई कैंडल प्रो 128 GB आपके सामने। आई थिंक कैंडल भी चॉकलेट की लग रही है मेरे को, ऐसा ही है? नहीं चलो फूंक मार गाइस। ए फूंक मार। Happy birthday to you. Have a long life to you. Have a long life to you. भैया मेरे को केक काटने का मन नहीं हो रहा, प्यार केक बनाया। Yeah, happy birthday. इस तरीके से यश ने मकसद पूरा किया। फिर यश ने
फोका फिर रोका फिर रेचर का, इस तरह से यश ने फरेरो रोचर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बट और ये ओए ये लड़की वाली हरकत कोई नहीं करेगा, केक लगाओ थोड़ा ना, हाँ कोई नहीं कर रहा ये सब। हाँ बस यस देख इतना ही आता है हमको, इससे आगे का आया कि अपना काटो और खाओ खाओ।